बीड़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि एक फोन इन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषय अलग अलग दिन चुनकर लेकर आते हैं और उस पर विस्तार से हमारी चर्चा होती है, जिस चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप टोल फ्री नंबर के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज किन विषयों पर आज हम खास तौर पर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज के विषय हैं बरसात में सब्जियों की खेती और कृषि शिक्षा व स्वरोजगार। महत्वपूर्ण विषय हैं ये, जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-11-3060 और 1800-11-3061। ये टोल फ्री नंबर है, इसलिए बेझिझक आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। बस आपको बातचीत के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज़ बंद रखनी है और फोन लाइन के जरिए ही बातचीत करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय करा दे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। और इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पीके जैन, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमारा पहला विषय है बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती, तो आइए जानते हैं कि ऐसे में जबकि गर्मियां अब जारी है, कई क्षेत्रों में इस वक्त बारिश भी शुरू हो गई है, जो किसान हैं हमें बताएं डॉक्टर राकेश कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो इस मौसम में ली जा सकती है। जैसा कि मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अभी खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसको हम बरसात की मौसम भी बोलते हैं जी। और इस मौसम में जो मुख्य रूप से सब्जियां लगाई जाती है वो खासकर बेल वाली सब्जियां, घिया, तोरी, करेला, खीरा, पेठा, ऐसी सब्जियां लगाई जाती हैं। साथ ही साथ है, इसके अलावा जो टमाटर वर्गीय सब्जियां हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च और हम लोबिया, इसके अलावा हम ओकरा का भी इस समय खेती करते हैं। हम पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो पत्तेदार सब्जियों में लाल चौलाई और हरी चौलाई की हम इस समय खेती करते हैं मुख्य रूप से जी। और इसके अलावा अन्य सब्जियां जैसे हम राउंड द ईयर में पालक और धनिया, इनकी भी खेती हम इस समय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी वैरायटीज है, कई सब्जियां हैं जिनकी खेती आप इस समय कर सकते हैं, लेकिन खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अच्छी उपज हासिल कर सके, इसके बारे में विस्तार से आज हम जानकारी लेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या हो सकती है, यही वजह है कि वैज्ञानिक अच्छी जल निकास वाली जगहों पर ही सब्जियां बोने की सलाह देते हैं। इसके अलावा मेड़ बनाकर खेती करना भी जल जमाव से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बरसात के दौरान बेल वाली सब्जियों में खीरा, तोरी और करेले की खेती की जा सकती है। इन सब्जियों को सीधे जमीन पर ना लें, क्योंकि बारिश का पानी सब्जियों को दागदार बना देता है, जिससे बाजार भाव पर असर पड़ता है। इसलिए इन्हें बोने के बाद बांस और रस्सियों की मदद से मचान बना लें। बरसात में भिंडी, बैंगन, फूलगोभी, लोबिया, बीन्स और चौलाई जैसी फसलों में खरपतवार की समस्या काफी ज्यादा रहती है। इससे फसल की बीमारी भी ज्यादा लगती है और कीट भी। इसीलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। अलग अलग फसलों की बात करें तो भिंडी को लगभग सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसकी उन्नत किस्मों में पूसा ग्रीन भिंडी 5, पूसा A4, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, परभनी क्रांति,
आजाद भिंडी और अरका अनामिका के नाम लिए जा सकते हैं। लोबिया की खेती के लिए गर्म और नमी युक्त जलवायु सही मानी जाती है। पूसा कोमल, पूसा सुकोमल, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, अरका, गरिमा, काशी गौरी और काशी कंचन लोबिया की बेहतर किस्में हैं। प्याज के लिए ऐसी जलवायु की जरूरत होती है जो ना बहुत गर्म हो और ना ही बहुत ठंडी। आमतौर पर सभी तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे बेहतर है। इसकी N53, पूसा रेड, पूसा रतनार, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड रोज, पूसा व्हाइट राउंड, पूसा व्हाइट फ्लैट और भीमा डार्क रेड इस मौसम की अच्छी किस्में हैं। मैदानी हिस्सों में जून जुलाई के दौरान खरीफ मिर्च बोई जा सकती है। इसके लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जून के अंत तक मिर्च की रोपाई जरूर कर लें। वहीं बैंगन को लंबे गर्म और बरसाती मौसम की जरूरत होती है। इसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है। जहाँ तो इस रिपोर्ट में आपने जाना कि इस समय कौन कौन सी फसलें ली जा सकती है, कौन कौन सी किस्में अच्छी रहती है, साथ ही फसल प्रबंधन के बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। लेकिन आइए हमारे दूसरे विषय का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पीके जैन, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि शिक्षा व स्वरोजगार, जैसा कि आज का हमारा विषय है, इसके बारे में हमें पहले समझाएं कि इसकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सदियों से हमारे जो अन्नदाता किसान है वो खेती किसानी करते आए हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जानकारी है कि वो किस तरह से खेती करे। लेकिन ऐसे में अगर किसी तरह से शिक्षा, कृषि शिक्षा हासिल कर ली जाए तो वो किस तरह से इनके लिए उपयोगी हो सकती है? देखिए, कृषि क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि, 20 साल पहले जो कृषि थी उसमें आज में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। आज की कृषि की हम बात करते हैं तो एक प्रतिस्पर्धी कृषि हो गई है। प्रतिस्पर्धी से मतलब है कि किसान के पास जो संसाधन है उनको किस तरह से उच्चतम उपयोग किया करके ज़्यादा से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। किसान ये भी बात आजकल चाहता है कि कैसे से अधिक से अधिकतम उसको आय प्राप्त हो, ये उसका मुख्य उद्देश्य हो गया। साथ ही हम देखेंगे कि जो बाजार की जो कंडीशन है जहाँ उसे मूल्य मिलते हैं उसकी भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। वो एक प्रतिस्पर्धी हो गई है, कौन से बाजार में बेचना है उसके लिए एक स्किल, एक जानकारी की जरूरत होती है। इसलिए कृषि क्षेत्र में काफ़ी चेंजेज आ गए हैं। हम देखेंगे जब हम कृषि क्षेत्र की बात करें कि कृषि में किस तरह के लोग इसमें काम करते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी कृषि में ज़्यादातर कम शिक्षित लोग हैं और यह अशिक्षित लोग हैं जो कृषि के व्यवसाय में काम करते हैं। वो अपने खेत पे उनका प्रबंधन, खेत का प्रबंधन करते हैं, तो इसलिए काफ़ी, और क्योंकि हमने अधिक से अधिकतम आय प्राप्त करनी है, अधिक से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, तो इसलिए कृषि को एक इनोवेटिव कृषि बनानी है, अनोवेटिव कृषि बनानी, इसके लिए हमें कृषि के जो इन्वॉल्व लोग हैं, कृषि में जो शामिल लोग हैं, उनको एक तरह से हमें कहें कि उनका उत्थान करना है, उनको मानव संसाधन कृषि क्षेत्र में निर्माण करना, इसके लिए कृषि की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से साल दर साल जो कृषि है उसके तौर तरीकों में बदलाव आ रहा है और अब तो कई तरह की नई तकनीकी भी आने लगी है, और ऐसे में इन चीज़ों के बारे में किसानों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। कृषि में जहाँ अल्पशिक्षित लोग भी जुड़े हुए हैं, तो वहीं आज हम देख रहे हैं कि आज के दौर में उच्च शिक्षा हासिल करके भी युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं और जो कृषि है उसे उद्यमिता की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में कृषि शिक्षा उनके लिए किस तरह से कारगर साबित हो सकती है, विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। कृषि में उच्च शिक्षा और स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज कृषि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की दक्षता और क्षमता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि शिक्षा को लेकर विद्यार्थी स्वरोजगार के लिए भी खुद को तैयार कर सकते हैं। देश के युवा अपना खुद का रोजगार कर सके, इसके लिए सरकार और देश में मौजूद कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देश में 1877 में पहली बार कृषि शिक्षा की जरूरत महसूस की गई और इस तरह सईदापेट में पहले कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। देश के दूसरे कुछ हिस्सों में कृषि शिक्षा को इंजीनियरिंग विद्यालयों से शुरू किया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बड़े अनुसंधान संस्थान की शुरुआत महसूस की गई।
1905 में ये सपना भी पूरा हो गया और पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस समय देश में करीब 99 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 66 कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनसे शिक्षा लेकर युवा खुद को स्वरोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। कृषि शिक्षा पाकर युवा अनाज, फल, सब्जियों, दूध से बने उत्पादों, नकदी फसलों, मछली पालन, मुर्गी पालन और मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। कृषि शिक्षा का ही नतीजा है कि अब खेती सिर्फ आजीविका का साधन मात्र नहीं है, बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है। जी हाँ, तो रिपोर्ट में देखा आपने कि किस तरह से जो कृषि शिक्षा है उसका विस्तार लगातार होता जा रहा है। डॉक्टर जैन, आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे में जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं और इसे एक रोजगार के अवसर के तौर पर देख रहे हैं, उनके लिए किस तरह की संभावनाएं हैं? कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा संभावना है। कृषि क्षेत्र की हम बात करें और रोजगार की हम बात करें, तो एक हम जॉब भी हम दूसरी कंपनियों में या पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में हम जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य जो संभावनाएं हैं कृषि क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो उद्यमी बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं कृषि क्षेत्र में। तो उसके लिए जो हमारे ग्रामीण युवा है, तो उनको हमें कृषि क्षेत्र में बनाए रखने के लिए और उनको सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि उनको कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव सेक्टर बनाना है, उसको आर्थिक रूप से एक आकर्षित एक क्षेत्र बनाना है। और उसके लिए हमें ज़रूरत है कि कृषि क्षेत्र में कृषि शिक्षा का प्रसार करके उनको उद्यमी बनने की शिक्षा हम दें। बिल्कुल डॉक्टर जैन, इसके बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनसे जुड़ सकते हैं आज के युवा और स्वरोजगार के जो अवसर है वो उन्हें मिल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। आशीष जी जालौन उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार, जी मैडम, मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से कि मैं इस समय बैगन, टमाटर, मिर्ची की भी खेती कर सकता हूँ, खासी कद्दू भर की सब्जी की खेती कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर राकेश क्या सुझाव देंगे। आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बरसात का मौसम है, खासकर खरीफ का मौसम है, ये बहुत ही उपयुक्त समय है और हम इसमें बैगन, मिर्च, टमाटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके क्षेत्र में जो भी प्रचलित प्रजाति है और आपके आसपास जो भी अनुमोदित प्रजाति है उसका चयन करें, और इसके लिए सबसे पहले आपने नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी को आप वायरल फ्री, वायरस के प्रति अवरोधी प्रजाति का भी चयन करें, साथ ही साथ उसको उगाते समय आप इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में उगाते हैं तो अच्छी नर्सरी तैयार होगी, और उसको आप 25 से 30 दिन के बाद आप अपने जो मुख्य खेत है उसमें आप रोपित कर सकते हैं। रोपित करने से पूर्व आप विशेष सावधानी रखें कि बरसात का मौसम है तो उसको आप 15 सेंटीमीटर उठी हुई मेड़ों पर ही आप उसकी रोपाई करें। जी जी बिल्कुल, तो इस तरह की सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी जब बरसात के मौसम में आप सब्जियों की फसल लेना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। भीमराव जी इस वक्त हिंगोली महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भीमराव जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, करेले के बारे में, करेला सब्जी के बारे में जानकारी चाहिए थी मैडम। जी बताइए, क्या खास जानकारी चाहिए? करेले की किस्म और नवंबर का समय, इसके बारे में। ठीक है, आइए जानते हैं। तो हिंगोली महाराष्ट्र के लिए कौन सी करेले की अच्छी किस्म रहेगी डॉक्टर? आप महाराष्ट्र से हैं तो आपके यहाँ पे जो भी आसपास कृषि विश्वविद्यालय है, जैसे हमारे यहाँ पूसा की जो वैरायटी है, पूसा दो मौसमी और पूसा सदाबहार है, आप इसका आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी पूसा की बहुत अच्छी वैरायटी पूसा औषधि है, जो कि आप इसको महाराष्ट्र और उस क्षेत्र के लिए भी अनुमोदित है, तो आप इन प्रजातियों को लगा सकते हैं। आप इसके लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके ने जहाँ से भी बीज लेना है, एक तो विश्वसनीय संस्था होना चाहिए, साथ ही साथ उसका उपचार अवश्य करेंगे, और उसको जैसा कि मैंने बताया कि इसको आप मुख्य खेत में जो है नालियों में, जो आपकी नाली होगी उन नालियों में आप 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप लगाएंगे,
साथ ही साथ क्योंकि बरसात के मौसम में पानी खड़ी होने की संभावना रहेगी, तो आप इसको मचान सिस्टम में ले जाएंगे तो और बेहतर खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो भीमराव जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, करेले की कौन सी उन्नत किस्में आपके लिए अच्छी रहेगी और साथ ही खेती का क्या जो तरीका है वो क्या रहेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डॉक्टर राकेश, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे कॉलर आशीष जी ने भी पूछा था कि बैंगन, मिर्च, टमाटर तो वो लेना ही चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही कद्दू वर्गीय सब्जियां भी लेना चाहते हैं, तो क्या इस वक्त कद्दू वर्गीय सब्जियां जो है ली जा सकती है, उपयुक्त समय रहेगा ये? जी, इस टाइम जो है खासकर जो बरसात के मौसम है और खरीफ का मौसम जिसको हम बोलते हैं जी, इसके लिए जो मुख्य रूप जो खेती की जाती है कद्दू बेल वाली सब्जियां, जिसमें हम घिया, तुरई, करेला, खीरा, पेठा, अन्य और भी हमारे जो खरबूज तरबूज का है उसको भी हम ले सकते हैं। इन सब्जियों को लेने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपके क्षेत्र के अनुसार से जी, क्योंकि हर क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि विज्ञान केंद्र है जी, और वहाँ से जो जो भी किसान भाई है अगर खरीफ मौसम में बेल वाली सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि उपयुक्त जगह से जो कि विश्वसनीय संस्था हो, क्योंकि आजकल ये देखने को मिलता है कि एक बार बीज किसान अपने कहीं से भी बाजार से ले लेते हैं और उनका बीज अक्सर खराब निकलता है जो कि पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जी, जी, जी। तो पहले श्योर करना है कि हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और इसमें वायरल और कीट पतंगों का ज्यादा प्रकोप होता है, तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रजाति है जो कि वायरस के प्रति अवरोधी है, बीमारियों के प्रति अवरोधी है, तो उन प्रजातियों का हमने चयन करना है और उसका अच्छी तरीके से बीज का उपचार करके जी, और जो भी अनुमोदित जैसे हमने बताया अभी करेला में 50 सेंटीमीटर है, वैसे घिया तोरी वगैरह में जो दूरी रखते हैं 75 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक भी हम रखते हैं। बिल्कुल। और एक नाली से जो दूसरी नाली की दूरी हम रखते हैं, ये पौधों की बढ़वा, क्योंकि बरसात में पौधों की बेल वाली सब्जियों की बढ़वा ज्यादा होती है जी, जी। तो उनके लिए 4 मीटर के नाली से नाली की दूरी कम से कम रखते हैं। साथ ही साथ आपने बेल वाली सब्जियों को ये कोशिश करें कि उसको मचान सिस्टम में बांस और रस्सी के सहारे उसको जमीन से ऊपर उठा के मचान सिस्टम में करते हैं, तो एक तो बहुत फ्रेश रहेगा सब्जी, कोई स्पॉट नहीं होगा और जो जमीन की सतह पे पानी में लगने की संभावना रहती है उसे भी आप बच सकते हैं और अच्छा आपको कीमत भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो बरसात के इस मौसम में जो मचान का सिस्टम है उसमें बेल वाली सब्जियों की खेती करना बेहद ही उपयुक्त रहता है। डॉक्टर जैन, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इससे पहले हमें बताया कि आज के युवाओं के लिए किस तरह से काफी उपयोगी है कृषि शिक्षा, ऐसे में जानना चाहेंगे कि इस वक्त कृषि शिक्षा की जो स्थिति है भारत में अगर उसे देखा जाए तो आप किस तरह का पाते हैं? कृषि शिक्षा की स्थिति की बात करते हैं तो पहले हम स्कूल शिक्षा से बात करते हैं। स्कूल लेवल पे एग्रीकल्चर एजुकेशन एज सच नहीं है हमारे यहाँ पर। कुछ राज्य हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पर कृषि सब्जेक्ट है, मतलब कृषि विषय है, लेकिन बाकी दूसरे राज्यों में हम बात करें तो कृषि स्कूल लेवल पर कृषि शिक्षा नहीं है। और जैसे कि हम औद्योगिक सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर ITI के सेंटर होते हैं, उस तरह का भी सेंटर हमारे कृषि शिक्षा में नहीं, तो स्कूल लेवल पर कृषि शिक्षा बहुत कम है जी। लेकिन जो हमारे जो डिग्री के लेवल एजुकेशन की बात करते हैं तो कृषि शिक्षा का एक उच्च अच्छा स्तर है, मतलब पढ़ाई की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, खासकर हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, 74 कृषि विश्वविद्यालय राज्य स्तरीय, केंद्र स्तरीय और दूसरे कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो उनकी एक पढ़ाई का स्तर बहुत ही अच्छा है, तो एक अच्छी क्वालिटी का। लेकिन जब आजकल हम बात करते हैं तो कृषि शिक्षा के दूसरे तरीके भी आ रहे हैं, जिसको पारंपरिक कृषि शिक्षा में तो कृषि विश्वविद्यालय आते हैं जी। लेकिन गैर पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति है उसमें ओपन एजुकेशन सिस्टम है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम भी आ रहे हैं जी, जी। और उनके द्वारा भी व्यावसायिक शिक्षा, कृषि की व्यावसायिक शिक्षा के लिए बहुत सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जी, जी। और इन तो कई तरह के कार्यक्रम जो है और पाठ्यक्रम जो है वो कृषि शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि जो कृषि की जो उच्च शिक्षा की जो स्थिति है वो काफी अच्छी है इस वक्त, और हम देखते हैं कि विदेशों से भी जो
छात्र है वो रुचि ले रहे हैं भारत में आके कृषि शिक्षा हासिल करने के लिए, जहां तक उच्च शिक्षा की बात है। बहरहाल इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा, मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है, ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती, इसके अलावा कृषि शिक्षा व स्वरोजगार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। लोकेश कुमावत जी इस वक्त हमारे साथ सीकर राजस्थान से जुड़ गए हैं। लोकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना। नमस्ते मैडम, मोनालिसा मैडम, गुड इवनिंग जी। नमस्ते। अच्छा मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था टमाटर में सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी रहेगी बरसात सीजन में जी, और उसके साथ में सह फसल कौन सी लगा सकते हैं साथ में? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर राकेश, क्या सुझाव देंगे आप? बरसात के मौसम में आपका सीकर राजस्थान से है, तो आप पूसा की वैरायटी, पूसा रूबी और भी वैरायटी सदाबहार है, हाइब्रिड भी है, हाइब्रिड एक दो है। इसके अलावा अर्का रक्षा करके एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि IHR बंगलोर की है, आप इसकी भी कर सकते हैं और ये 4 से 5 फीट तक बेल भी जाती है। इसको आप स्टैकिंग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है क्योंकि अर्का रक्षक में वायरस के प्रति अवरोधी भी प्रजाति है, तो आप अर्का रक्षक लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप नर्सरी जो तैयार करें, नर्सरी का अच्छा, क्योंकि अगर नर्सरी स्वस्थ होगा तो भी आगे खेती में आपकी फसल स्वस्थ होगी। तो आपने नर्सरी को अच्छे तरीके से वायरल फ्री तैयार करना है, फिर उसको ट्रीटेड करके, जब हम सीडलिंग्स को भी ट्रीटेड करके और मुख्य खेत में रोपित करेंगे, जो कि जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि ऊंची उठी हुई मेड़ पे ही इसको लगाएं, ताकि बारिश के पानी से इसका ज़्यादा क्षति ना हो। बिल्कुल, साथ ही सह फसल क्या ले सकते हैं टमाटर के साथ? अगर टमाटर की फसल है तो आप जगह गैप रखते हैं, तो अगर गैप रखते हैं तो उसमें हम टमाटर के मेड़ों के साइड में, जैसा कि अभी बहुत लोग बहुत किसान भाई कर भी रहे हैं, जिसको करीब 30 से 40 दिन में तैयार हो जाता है, आप धनिया और पालक भी आप मेड़ों के किनारे लगा के अलग से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, तो लोकेश जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। उन्नत किस्मों का चुनाव आप टमाटर का कर सकते हैं, उसके साथ ही धनिया की जो खेती है पालक की वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। यासु जी हमारे साथ इस वक्त कन्नौज उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। यासु जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो यासु जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जैन, आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह से जो कृषि शिक्षा है इसका विस्तार होता जा रहा है और कई तरह के पाठ्यक्रम जो है इस वक्त मौजूद हैं युवाओं के लिए, जानना चाहेंगे कुछ खास ऐसे पाठ्यक्रमों के बारे में हमें बताएं जिनसे अगर जुड़ते हैं हमारे आज के युवा तो उनके लिए जो उद्यमिता के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं जो सीधा एक किसान को एक या ग्रामीण युवा को कृषि व्यवसाय, कृषि उद्यमी बनने की तरफ प्रेरित करते हैं। खासकर एक नया प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है कृषि व्यवसाय में पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। उस प्रोग्राम को करने से क्या होगा कि
आप एक साल की नहीं, एक साल में आप तैयार हो जाएंगे कि एक कृषि व्यवसाय करने के लिए, कृषि व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जितने भी आपको एक स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, वो सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। कैसे आप प्रपोजल बनाएंगे, बिजनेस का प्रपोजल बनाएंगे, कैसे बैंक को सबमिट करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज किस किस तरह से होती है, फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन कैसे करेंगे। तो इस तरह का एक नया प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया है, पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस। लेकिन अगर एक जो कृषि व्यवसाय के जो उद्यम है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग है या बी कीपिंग है, सेरिकल्चर है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो इस तरह की जितने भी व्यवसाय हैं, जो कृषि आधारित व्यवसाय है, उनमें आप एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और डिप्लोमा प्रोग्राम्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और जैसे डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फूड्स एंड वेजिटेबल्स है, एक पीजी एक डिप्लोमा इन प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीरियल्स पल्सेज ऑयल शीट्स, खाद्यान्नों से या तिलहनी फसलों से या जो दलहनी फसलों से कैसे मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उस तरह के डिप्लोमाज हमारे पास है। साथ में एक वाटरशेड से रिलेटेड डिप्लोमा है, तो उसमें वाटरशेड एरिया में कौन कौन से व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं, उस तरह के हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्षेत्र से जुड़े हुए ही अलग अलग कई तरह के सेक्टर्स हैं जिससे जुड़े पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, और जो आज के युवा हैं वो उनसे जुड़ सकते हैं। उद्यमिता के लिए उनके पास बहुत ही अच्छी संभावनाएं इस वक्त मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं अपना नाम और कहाँ से कॉल कर रहे हैं। हेलो सर्वेश जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। सर्वेश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैम, मुझे जानना है कि बैंगन और मिर्च में सह फसली के रूप में कौन सी फसल, कौन सी सब्जी ले सकते हैं। जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर राकेश जी, ये बैंगन और मिर्च दोनों को आप अगर अलग अलग लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिर्च में खासकर वायरल का ज़्यादा प्रकोप होता है खरीफ सीजन में, तो आपने अगर दोनों फसलों को अलग अलग लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम फसली की बात करते हैं, फसल लेने की, तो आप अगर स्पेस बढ़ा देते हैं तो आप उसके नीचे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बोला था कि पालक और धनिया का आप इस उसमें लगा के, क्योंकि वो 30 से 40 दिन में जब हमारा बैंगन जब बड़ा साइज हो जाएगा, उसके पहले हम फसल को जड़ सहित निकाल के उससे हम एक एक्स्ट्रा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर्वेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, डॉक्टर राकेश मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने इससे पहले ही बताया कि बरसात वाली सब्जियाँ लेनी हो तो पहली शर्त ये है कि जो बीज है वो प्रमाणित स्रोत से ले, उन्नत किस्म और जो रोगरोधी किस्में हैं उनका चुनाव करें। इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि सब्जियों की नर्सरी जिन्हें तैयार करनी है उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही खेत की तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो खरीफ का मौसम है, क्योंकि खरीफ के मौसम में और अन्य मौसम की अपेक्षा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्या आती है। एक तो खरपतवार भी ज़्यादा होता है, साथ ही साथ जल भराव की भी समस्या होती है, और उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है इस समय जी। तो इस समय किसान भाइयों को मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे तो आसानी से इस समय खेती कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने गर्मी के में मौसम में गहरी जुताई करके छोड़ दिया होगा, तो उसमें जो भी आपके हानिकारक खरपतवार और आपके जो कीट के अंडे अंडाणु है ये सारे नष्ट हो जाते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है जो गर्मी की जुताई होती है, जिससे सॉइल सोलराइजेशन द्वारा उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है जी। फिर जहाँ पर हमें फसल लगानी है, क्योंकि सब्जियों को मुख्यतः जो है दो तरीके से उगाया जाता है, तो अधिकतर जो सब्जियाँ हैं वो सीधी बुआई की जाती है। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, अगेती, फूलगोभी, इनकी हम खरीफ प्याज, इनकी हम पौध तैयार करते हैं, उसके पश्चात हम इसको मुख्य खेत में लगाते हैं। तो जैसा कि जो सीधी बुई जाने वाली या पौध से तैयार की जाने वाली सब्जियां हैं, इसको आपने एक तो बहुत अच्छे, जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा किया था कि बीज जो है का चुनाव जो है जो आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित है, क्योंकि जो भी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थाएं हैं वो हर क्षेत्र वार अलग अलग प्रजातियों का अनुमोदन करती है जी, उसके हिसाब से आप अनुमोदित करें। साथ ही साथ
ये भी इम्पोर्टेंट है कि मृदा का उपचार और बीज का उपचार आप अवश्य करें, उसके पश्चात जो नर्सरी से तैयार की जाने वाली सब्जियां हैं उसमें हमने दो तरीके से, जैसे कि आम तौर पर किसान भाई क्या करते हैं कि समतल खेत क्यारी बना के और उसमें बीजों को डाल देते हैं, जिससे कि बहुत सारे बीज का नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी हम जो अच्छी प्रजाति का चुनाव करते हैं और अच्छी बीज लेते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं। पहले पूर्व में क्या होता था, बीज ज़्यादा होता था तो ज़्यादा भी डलती थी तो कम जमने के बाद भी किसान अपना इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीज करीब करीब आधे की मात्रा में हमारी उपयोग में आ जाती है। इसके लिए किसान भाई को ऊंची उठी हुई बेड, जैसे 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, जमीन से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बेड बनाए और उस बेड पे ही 5-5 सेंटीमीटर की गहरी, 1 सेंटीमीटर गहराई में लाइन बना के और उसमें आप बीजों को छोड़ के और ऊपर खाद और मिट्टी से मिक्स करके उसको ढक दें। माफ कीजिएगा डॉक्टर राकेश, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, और भी विस्तार से जानेंगे इसके बारे में आगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी इस वक्त अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। प्रदीप जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो प्रदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बहरहाल डॉक्टर राकेश आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो हम नर्सरी की बात कर रहे थे, तो आपने ऊंची उठी हुई बेड, क्योंकि बरसात का मौसम है हम प्लेन में नहीं करेंगे, क्योंकि पहले उसमें क्या होता है कि पानी खड़ी हो जाने से हमारा बीज सड़ जाता है या छोटी पौध नुकसान हो जाती है, तो हमेशा आप ऊंची उठी हुई बेडों पे ही नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा किसान भाई आजकल जैसे कि सर भी बता रहे थे कि प्रशिक्षण हर जगह पे हर कृषि विज्ञान केंद्र में होता है, तो आप कोशिश करें कि जैसे हम टमाटर की बात करते हैं कि 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम प्रो ट्रे के माध्यम से करते हैं तो उसमें हमारा 60 से 80 ग्राम में ही काम चल जाता है। अच्छा। तो एक बहुत अच्छी तकनीकी है और इसको आप इजी वे में उसको कहीं भी रख सकते हैं, आप छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, और अगर इंसेक्ट प्रूफ नेट, अगर लो कॉस्ट इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा लेते हैं तो इसमें वायरल फ्री आप नर्सरी आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता, सॉइललेस मीडिया का इस्तेमाल होता है। तो यानी कि कई तरह की नई तकनीकें आ गई है खेती के लिए, जिसमें आप कम जमीन भी है तब भी आप खेती कर सकते हैं, कम संसाधन है तब भी आप कर सकते हैं, इसके लिए बस उसकी पूरी जानकारी होना बेहद जरूरी है। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। आप समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। The cat sat on the mat.
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती और कृषि शिक्षा व स्वरोजगार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर जैन आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड काल में हमने देखा कि किस तरह से जो शिक्षा के जो तरीके हैं उसमें कई तरह के बदलाव आए हैं और जो ऑनलाइन क्लासेज है उसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खासतौर पर कृषि की बात करें तो ये भी बहुत मेहनतकश लोगों का काम है और कृषि करने के साथ ही साथ अगर कोई और भी आगे जानना चाहता है, किसी तरह का प्रशिक्षण हासिल करना चाहता है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स ही करना चाहता है तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है दूरस्थ शिक्षा की? देखो, जो कृषि क्षेत्र के जो लोग काम करते हैं तो वह एक उनको मुख्य समस्या है कि उनके पास इतना समय नहीं कि एक किसी संस्था में जाकर वहाँ के जगह क्लासेज अटेंड कर सकते हैं या एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमें ऐसी कृषि शिक्षा पद्धति की ज़रूरत है जो उनको घर बैठे जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ पर ही उनको शिक्षा दी जाए। इसी के लिए जो दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम काफ़ी प्रचलित है वो उसी तरह ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारे कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे आ रही है। तो इस तरह के जो सिस्टम है उनको अपना कर और खासकर इन सिस्टम की बात करते हैं तो व्यवसाय शिक्षाएं वो पाठ्यक्रम अवेलेबल है काफ़ी खासकर हम देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह के सेरिकल्चर, तो इस तरह के पाठ्यक्रम काफ़ी अवेलेबल डेयरी के सेक्टर में काफ़ी अवेलेबल हैं। वैल्यू एडिशन से रिलेटेड पाठ्यक्रम्स अवेलेबल हैं तो इस तरह के काफ़ी पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रम की खास बात यही है कि आपको जो थ्योरी जो एजुकेशन है आपको घर बैठे आपको मिलती है, आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, सिंपल सरल भाषा में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है और साथ में आपको कोई पढ़ते समय कुछ आपको कोई डाउट है आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए एक स्टडी सेंटर आपको मिलता है, वहाँ जाकर वो डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे तो उन सबसे विषय की वहाँ जाकर चर्चा कर सकते हैं, जो वहाँ पर टीचर्स होते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। जो प्रैक्टिकल कुछ ऐसी जो कृषि शिक्षा की बात करते हैं तो कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट होते हैं जिसमें आपको दक्षता दी जाती है, टेक्निकल कंसेप्ट समझाया जाता है तो उसके लिए स्टडी सेंटर में जाकर आप वो प्रैक्टिकल सबरे अटेंड कर सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी तरह जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी धीरे धीरे कृषि के सेक्टर में आ रही हैं और ख़ासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा मंत्रालय, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म जो दिया है स्वयं प्लेटफॉर्म है www.swayam.gov.in, उसमें बहुत सारे पाठ्यक्रम कृषि के सेक्टर में भी अवेलेबल है। तो उसमें मुख्य जो कई सारे पाठ्यक्रम इग्नू की तरफ से भी अवेलेबल है, जैसे कि भारतीय कृषि विकास, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स है इसमें, फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स की बात है जी। तो इस तरह के आर्थ प्रोजेक्ट एनालिसिस, कोऑपरेटिव्स पे उसमें एक पाठ्यक्रम, इस तरह के बहुत सारे पाठ्यक्रम, कई तरह के पाठ्यक्रम हैं जो दूरस्थ शिक्षा के जरिए भी किसान जो है जिनसे जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो, चलिए इस वक्त हमारे साथ सुशांत कुमार पटनायक जी ओडिशा से जुड़ रहे हैं। सुशांत जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चेरी टमाटर की उन्नत किस्म क्या है, उसके बारे में जानना था। अच्छा, चेरी टमाटर के बारे में जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं जी। चेरी टोमेटो के लिए जैसा कि हमने टमाटर के बारे में चर्चा किया था कि चेरी टोमेटो की वैरायटी है, पूसा की वैरायटी है, आप पूसा चेरी के टमाटो के नाम से आपको मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ निजी कंपनियों के भी हैं, वहाँ से आपके पास से जो भी आपके क्षेत्र में निजी कंपनियाँ हैं वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं या वहाँ पर जो संस्था है वहाँ से आप चेरी टोमेटो का सीड लेके और आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, तो सुशांत जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और डॉक्टर राकेश आपसे जानना चाहेंगे कि चेरी टमाटो और इसी की तरह कई तरह की जो एग्जॉटिक सब्जियां हैं वो आजकल किसान उगाना चाहते हैं क्योंकि बाजार में उनको और बेहतर भाव मिल जाते हैं, इसके अलावा जो बेमौसम सब्जियां हैं उसमें भी काफ़ी फायदा होता है किसानों को, ऐसे में अगर संरक्षित खेती के जरिए बेमौसम सब्जियां लेना चाहते हैं तो आप क्या उन्हें सुझाव देना चाहेंगे इस वक्त के लिए? मैं किसान भाई को बताना चाहूँगा कि जो आमतौर पर सब्जियाँ लोग बेल वाली सब्जियाँ हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च, ये तो बहुत
पुराने पद्धति के से ही चली आ रही है जी। लेकिन अभी कुछ जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कृषि में रोजगार की बात हम करते हैं, क्योंकि अब किसी को हम परंपरागत तरीके के बजाय उसको हम एक रोजगार का माध्यम माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए किसान भाई को कुछ नई चीज़ या नई किस्मों का या नई पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इस समय जो है जो जैसे हम बात करते हैं कि खासकर प्याज का जो खेती होता है मुख्य रूप से हमारा जो लगभग पूरे इंडिया में रबी सीजन होता है, और महाराष्ट्र और जो हम इधर का एरिया है, वेस्टर्न का एरिया है भारत का, इसमें खरीफ का प्याज होता है, जिससे कि आप देखते हैं कि प्याज की आपूर्ति नहीं हो पाती। तो अगर ये चीज़ें इस क्षेत्रों में भी प्याज की, जैसे बरसात की मौसम की प्याज हम दो माध्यम से करते हैं, एक तो हम नर्सरी तैयार करते हैं, साथ ही साथ हम गंठी बना के भी गंठी की भी सीधी रोपाई कर देते हैं अगस्त के महीने में जी। तो अगर इस समय प्याज किसान भाई लगाते हैं तो ये दिसंबर के आसपास खुदाई हो जाती है, क्योंकि उस समय बाजार का भाव बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरह से किसान ऑफ सीजन में ये प्याज लगा के अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकती है। आमतौर पर किसान जो गाजर की खेती करते हैं वो अक्टूबर में नवंबर में जाके करते हैं। पूसा की एक वैरायटी है पूसा वृष्टि, अगर उसको किसान भाई जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो अगेती जब किसान भाई लगाना सोचेंगे उस टाइम खुदाई हो जाती है। तो उस टाइम इस वैरायटी को लगाते हैं तो ऑफ सीजन में उनको अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं जी। वैसे ही मूली का है, मूली जो कि आमतौर पर यह समझा जाता है कि रबी की फसल है, मूली, पालक, धनिया, तो इनको भी आप कुछ संरचना है, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है तो आप सेडनेट हाउस में 50% का अगर सफेद सेडनेट लगाते हैं आप, तो उसके नीचे में आप देखेंगे कि इस समय धनिया की कीमत करीब 200 से 250 रुपए किलो के आसपास बाजार में बिक रही है। तो अगर आप सेडनेट के नीचे करते हैं तो तापमान जो बाहर का होता है उससे आप 8 से 10 डिग्री जो सेंटीग्रेड है नीचे रहता है उसके अंदर, और आसानी से तरीके से आप उसमें खेती कर सकते हैं, अच्छी उपज ले सकते हैं, और ऐसे में जो बाजार भाव अच्छे मिलते हैं उसका भी लाभ आपको मिल पाएगा अगर आप इस तरह से जो बेमौसमी सब्जियां हैं वो लेते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश जी, इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। राकेश जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी, जी मैम, जी राकेश जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, अरबी है अरबी तो कोई मैम, राकेश जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करिए, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी मैम, अरबी की फसल बोई है मैम, उसमें पीलापन आ रहा है मैम। अरबी की फसल बोई है और पीलापन आ रहा है? जी मैम जी। क्या वजह हो सकती है इसके डॉक्टर राकेश, और क्या किया जा सकता है? अरबी की फसल में जो पीलापन आ रही है इसका वजह अभी क्या हो सकता है कि आपने, क्योंकि अभी तापमान बहुत ज़्यादा था और इसमें हम गर्मी के मौसम में पानी लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जहाँ ज़मीन का सरफेस होता है वहाँ पे फंगल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, तो उस अवस्था में आप कुछ फफूंदीनाशी है जैसे कार्बेंडाजिम का आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, और उसमें आप ध्यान दें अगर आपके आसपास में कोई संस्थान है आप वहाँ से संपर्क कर लीजिए और वहाँ से विशेषज्ञ को दिखाइए। ये पीलापन होने का एक वजह न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी हो सकती है जी। लेकिन आमतौर पर अभी क्या है कि गर्मी ज़्यादा थी, तापमान ज़्यादा थी और उसमें आप सिंचाई कर रहे होंगे, तो उस अवस्था में भी फफूंदी जनित बीमारियों की वजह से भी पीलापन होता है, तो आप फफूंदी नाशी का स्प्रे कर लीजिए। अगर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो आप उसको आप जांच करा के और उसको न्यूट्रिएंट की जो है उसकी पूर्ति करें जी। आइए आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ हेलो किसान कार्यक्रम में एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। बाबूलाल जी अजमेर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि पूरी गर्मी मेरे फसल अच्छी चल रही थी, भिंडी और ग्वार पड़ी। अच्छा, अभी क्या अभी बिल्कुल फल आना ही बंद हो गया। अच्छा, फल नहीं आ रहे हैं? हाँ ठीक है। ये भी पौधे बिल्कुल स्वस्थ है, पौधे में कोई कमी नहीं है मगर अच्छा। फल नहीं लग रहा। कौन सी किस्म आपने ली थी भिंडी की? ये स्वास्थ्य ली थी मैंने जी। अभी क्या हुआ पीछे कुछ दिनों से क्योंकि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहा, तो उसमें आपने देखा होगा भिंडी नहीं हमारे जितनी भी बेल वाली सब्जियां भी है जो गर्मी के सीजन में लगाई गई थी उनमें भी फल आना बंद हो गए थे।
तो एक हमारा पोलिनेशन की क्रिया जो है उस समय डिस्टर्ब हुआ है जी। और आप एक तो लगातार नमी बनाए रखिए, क्योंकि गर्मी के सीजन में जो जितनी भी सब्जियां हैं उसमें मॉइस्चर को आप कंटिन्यू बनाए रखिए। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके उस आसपास में न्यूट्रिएंट की डिफिशेंसी की वजह से भी कुछ रुक रहे हों, तो आप उसमें एनपीके 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और मल्टीप्लेक्स जिसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक बार आप स्प्रे करें और सिंचाई बराबर करते रहें, तो निश्चित तौर पे एक बार पुनः भिंडी का स्टार्ट हो सकता है जी। बिल्कुल, तो बाबूलाल जी उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर ज़रूर आप अमल करेंगे और इस समस्या से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जैन मैं आपका रुख करना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि जो भी किसान दूरस्थ शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से वो प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह की अहर्ता की आवश्यकता होती है इसमें। एडमिशन जो प्रक्रिया है, प्रवेश लेने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। आजकल ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होती है, इग्नू की वेबसाइट में जाके या ignu.smarth.edu.in करके एक एडमिशन का प्लेटफॉर्म है, उसमें जाकर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है, नाम, एड्रेस, फादर्स नेम और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जो 10वीं पास का सर्टिफिकेट या 12th पास का सर्टिफिकेट या जैसे भी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना होता है और साथ उसमें फीस भी आपको उसमें पे कर सकते हैं। सिंपल एक प्रक्रिया है, तो ऑनलाइन आपको एडमिशन फॉर्म भरना होता है, जैसे आप फॉर्म उसमें सबमिट करते हैं कुछ दिनों बाद आपका कंफर्मेशन आपके मोबाइल पे SMS के थ्रू आ जाता है या फिर आपको एक आइडेंटिटी कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाता है जी। बिल्कुल, और इसकी फीस कैसी होती है ये भी जानना चाहेंगे। इसकी जो क्योंकि ये हमारा एक पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो हमने फीस इसकी बहुत ही कम रखी है। जैसे 6 मंथ का प्रोग्राम है, अगर आप कर रहे हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं तो 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में आपकी फ़ीस है। और ज़्यादा के प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि हम लोगों ने जो STSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस भी माफ़ कर रखी है, तो उसमें फीस का भी आपको एग्जम्पशन है। बिल्कुल, तो कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है, इन सुविधाओं का ज़रूर लाभ उठाना चाहिए क्योंकि ये आपके जो भविष्य है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये जो पाठ्यक्रम है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायी साबित हो सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा। अरे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। The
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कौन सा सवाल वो पूछना चाहते हैं। दलबीर जी इस वक्त पठानकोट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दलबीर जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो दलबीर जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो जी दलबीर जी, मेरा ना मैं बैंगन की फसल लगाई हुई है। अच्छा ठीक है, बैंगन की फसल लगाई हुई मैंने जी। जी हाँ जी, तो मैम उसमें कीड़ा बहुत पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं कि किस तरह से आप कीटों से छुटकारा पा सकते हैं बैंगन की फसल में। जी डॉक्टर राकेश बताएं। दलबीर जी मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो बैंगन की फसल हम जब लगाए थे तो उस समय आपने शुरू से ही ध्यान देना होगा, क्योंकि आमतौर पर किसान भाई क्या करते हैं कि जब पूरी तरह से कीट प्रकोप आ जाता है तो उस समय फिर दवा का इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर बैंगन में दवा कोई भी इस्तेमाल करते हैं उसका असर नहीं होता। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जैसे आपने फिजिकली मॉनिटरिंग करें, खेत पे आप घूमते समय ये देखें कहीं उसमें दो तरीके का आता है, एक तो सूट बोरर आता है, एक फ्रूट बोरर। तो आप देखेंगे बैंगन के जो टॉप होगा उसमें तना मुरझाया हुआ सा होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी खेत में ऐसे तना मुरझाया हुआ हो तो आप एक प्लास्टिक वो थैली ले लीजिए और कैंची के सहारे जहाँ से भी आपको सुराग दिखाई दे रहा है उससे एक इंच नीचे की कटाई कर लीजिए और उसको थैली में रखते जाइए। आप वैसे ही पूरे खेत में आप घूम के देख लीजिए कि बैंगन में अगर कोई शुरुआती अवस्था में कीट लग रहा है तो इसकी छटाई कर लीजिए, और इसके लिए आपने जो स्प्रे करना है इसका आप स्पाइनोसेड का 1 ml 3 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आपका जो है ये फ्रूट बोरर जो बोलते फल छेदक कीड़ा है वो रुक जाएगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपका उत्पादन भी अच्छा होगा। बिल्कुल, तो दलबीर जी उम्मीद है कि इस सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे और इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जैन मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि कृषि शिक्षा की स्थिति को आज आप जिस तरह से देख रहे हैं और जैसे कि आपने बताया भी कि पल पल बदलते इस कृषि के क्षेत्र में किस तरह से इसकी उपयोगिता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके सामने आप किस तरह की चुनौतियां इस वक्त देख रहे हैं? देखिए कृषि शिक्षा के क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में जो मुख्य चुनौती है हमारे जो युवा है उनको कृषि क्षेत्र में बनाए रखना, कैसे हमारे किस तरह से हम युवाओं को कृषि क्षेत्र में बनाए रखते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत है एग्रीकल्चर और कृषि क्षेत्र को एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर सेक्टर बनाएं। इनोवेटिव सेक्टर बना से क्या होगा कि एक आर्थिक रूप से एक यह क्षेत्र एक आकर्षित क्षेत्र बनेगा, ताकि जो युवा है जो कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं उनका एक सोशल स्टेटस, एक उनको परिवार को एक अच्छी तरह से जीवन यापन एक अच्छी शिक्षा, परिवार को अच्छी शिक्षा, एक सुविधा युक्त एक जीवन जीने का एक साधन मिल सके, इसके लिए हमने कृषि क्षेत्र को एक ल्यूक्रेटिव क्षेत्र या आर्थिक रूप से आकर्षित क्षेत्र बनाना होगा। इस आर्थिक रूप से आकर्षित क्षेत्र बनाने के लिए हमें कृषि क्षेत्र में खेती के साथ साथ उद्यमी भी विकास करने पड़ेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसमें थोड़ा सा हमें थोड़ा एडिशनल स्किल्स डेवलप करके जानकारी प्राप्त करके छोटी छोटी व्यवसाय, कृषि आधारित व्यवसाय हम प्रारंभ कर सकते हैं, और उसके लिए प्रशिक्षण और शिक्षा काफ़ी अवेलेबल है। कई तरह से एक्सटेंशन सिस्टम भी हमारे पास है, कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे पास है, कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास है, और कृषि शिक्षा के नए तरीके जिसमें दूर शिक्षा या ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारे साधन हमारे पास है। इनकी तरह से हम जिस भी सेक्टर में आपका इंटरेस्ट हो उस सेक्टर की प्रशिक्षण प्राप्त करके या उसकी शिक्षा प्राप्त करके पूरी प्लानिंग करके व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो और ऐसे में जब आप कृषि शिक्षा हासिल कर लेंगे तो न सिर्फ आपके सामने जो भविष्य संवारने के अवसर होंगे बल्कि आप दूसरों को भी अवसर प्रदान कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप आ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हमारा आज का अगला विषय है बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती, तो आइए कुछ जानकारी इसके बारे में भी हासिल कर लेते हैं और आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर राकेश बताएं कि जो पोषक तत्व प्रबंधन है इस मौसम में किस तरह से किसानों को करना चाहिए? किसान भाई को जैसे कि हम बरसात की गर्मी की जुताई की बात कर रहे थे कि हमने बरसात के मौसम शुरू होने से पहले गर्मी की जुताई की जाती है,
किसान भाइयों को मैं ये भी सलाह देना चाहूँगा कि आप उसी टाइम जब खाली खेत हो और जुताई कर लिए हो तो आप अपने ज़मीन की सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए, क्योंकि आजकल सरकार द्वारा भी सॉइल हेल्थ कार्ड का सब जिलों में सब कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बनाए जा रहे हैं जी। तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, उसके हिसाब से हम उसका निर्धारण करते हैं। और इसके लिए जैसे हम अनाज वाली फसल है, इसके लिए जैसे 10 से 15 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर खाद डालते हैं, लेकिन सब्जियों में इसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो हम 20 से 25 टन का प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो हम सड़ी हुई गोबर खाद इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जो हमें अंतिम जुताई के समय खाद दी जानी होती है नाइट्रो फास्फोरस पोटास और जिंक और भी हमारे जो तत्व है उसको बुआई के समय दे दीजिए, और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको हम स्प्लिट डोज में थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में हम अपने फसलों को देते हैं, जिससे कि फसलें अच्छे तरीके से चलती है और अच्छा उत्पादन देती है। बिल्कुल डॉक्टर राकेश, आपने और डॉक्टर पीके जैन, आप दोनों ने हमें इस कार्यक्रम में बहुत ही अहम जानकारियां दी है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे किसान साथियों को जरूर इस जो जानकारियां हैं उसका लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें हेलो किसान कार्यक्रम में कल के विषय के बारे में। कल के विषय होंगे अनार की खेती एवं प्रसंस्करण और मशरूम की खेती, तो इन दो महत्वपूर्ण विषयों पर कल चर्चा होगी इस कार्यक्रम में। इस बीच अगर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर आप हेलो किसान कार्यक्रम देख सकते हैं, इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।